हाय स्टूडेंट, हमने मैट्रिसेस के पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैट्रिक्स का, उसके टाइप्स पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। आज उसमें एक टॉपिक और बचा हुआ था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। इसको पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिसेस क्या है, अवयवों की समानता। तो देखिये, दो मैट्रिक्स मैंने लिया, एक ए लिया, एक मैट्रिक्स बी ले लिया। अब इनको इक्वल तब कहेंगे तो इनके लिए दो पॉइंट है। सबसे पहली चीज, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। सेम का मतलब, जैसे इनका ऑर्डर आप देखेंगे, इससे पहले लेक्चर मैंने बताया था ऑर्डर। अब कितने रो है इसमें? टू रो है। कॉलम कितने हैं? टू। तो टू क्रॉस टू ऑर्डर इनका हो गया। तो अगर ए मैट्रिक्स का टू क्रॉस टू का ऑर्डर है तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? टू क्रॉस टू। ठीक। तो सबसे पहली चीज ये दिखाई जाती है कि ऑर्डर सेम है या नहीं, तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। दूसरा पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत तत्व। तो जैसे ये पहली पोजीशन है जिसको मैंने बताया था ए वन वन। ठीक। तो बताइए, यहां की पोजिशन बी नाम दिया तो इसको बोलेंगे बी वन वन। तो ए वन वन इज इक्वल टू बी वन वन, मतलब पहली जो हमारे पास मैट्रिक्स दी है उसका पहला एलिमेंट, और जो बी मैट्रिक्स दूसरी दी है उसका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। उसी कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, या हिंदी में कहते हैं संगत अवयव। तो इनके संगत अवयव बराबर, जैसे देखिए वन है तो वन है, यहाँ टू है, यहाँ टू है। इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग ए वन टू, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ए टू वन। इस पोजीशन को क्या बताया था? ए टू टू। तो जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पर जो है, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तब हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब संगत अवयव जो है, वो सेम होने चाहिए। या ये आप अपने तरीके से कह सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम है तो एक मैट्रिक्स को उठाएंगे, दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे तो पहला पहले को टच करेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको। ठीक। तो वो उसके इक्वल होना चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, कह रहे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, एक्स वाई जेड V, और यहां पे दे दिया 2509। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल होगी तो ऑर्डर इनका सेम हुआ होगा, तभी इक्वल होगी। तो 2 क्रॉस 2 की ये भी है, 2 क्रॉस 2 की ये भी है, तो दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तभी ये इक्वल होगी। अब अगर इक्वल हुई तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये x किस वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 5 के। Z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0। एंड V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 9। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करके हम X, Y, Z और V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे वेरिएबल एबीसी के फॉर्म में दे देगा, तब भी हम कंपेयर करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने। एक्सरसाइज है 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप बुक में देखिएगा, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2 and 12 √3, 1, -5, 70। ये मैट्रिक्स दी गई है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। ऑर्डर मतलब क्रम या कोटि। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट, हिंदी में कहेंगे अवयवों की संख्या, मतलब कितने एलिमेंट इसमें हैं, कितने अवयव हैं। थर्ड पॉइंट, जो एलिमेंट है जैसे A13, A21, A33, A24 एंड A23 की वैल्यू, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इनको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
तो ए एक मैट्रिक्स दिया, अब सबसे पहले इनका पूछ रहा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम देखेंगे कितने रो हैं इसमें, ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू और ये हो गया आर थ्री, तो रो कितने हो गए, थ्री हो गए क्रॉस। अब आपको क्या देखना है, कॉलम देखना है, यहां से देखेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो कॉलम कितने हो गए, फोर, तो ऑर्डर इनका क्या हो गया, थ्री क्रॉस फोर, मतलब इसमें थ्री रो हैं और फोर क्या है, कॉलम, हिंदी में कहा जाए तो तीन पंक्तियां हैं और चार क्या है, स्तंभ है, तो पहला आपका आंसर हो गया, उनका ऑर्डर हो गया थ्री क्रॉस फोर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया था, इसका सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हो गए, ट्वेल्व, आप ऐसे भी काउंट कर सकते, वन टू थ्री फोर फाइव करके भी काउंट कर लेंगे तब भी ट्वेल्व आएगा, या थ्री क्रॉस फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो ये हो गया अवयवों की संख्या कितनी आ गई, ट्वेल्व आ गई, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड में देखिए कई वैल्यू निकालने कह रहा है, पहला आता है ए वन थ्री, तो हमने आपको बताया था पहला रो होता है दूसरा कॉलम, तो ए वन थ्री का मतलब हो गया पहला रो देखेंगे, तो ये देखिए पहला रो है आपके पास, थ्री मतलब कॉलम, कॉलम ये देखिए जा रहा है आपका, तो पहला रो तीसरे कॉलम से कौन ढक रहा है, नाइनटीन, तो ए वन थ्री की वैल्यू क्या आ गई, नाइनटीन। अब उसके बाद क्या निकालना है, ए टू वन, अब इसका दूसरा रो ये है और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम क्या हो गया, 35। फिर नेक्स्ट आएंगे ए थ्री थ्री सॉल्व करेंगे, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम मतलब थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया, कौन सी वैल्यू मिल गई, माइनस फाइव। फिर नेक्स्ट ए टू फोर मतलब दूसरा रो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ये कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम जाएंगे क्या मिल जाएगा, ट्वेल्व, तो इसकी वैल्यू हो गई ट्वेल्व। फिर नेक्स्ट ए टू थ्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब दूसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम कौन मिल गया, फाइव अपॉन टू। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसमें ऑर्डर आपको चाहिए था, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए था और ये एलिमेंट जो हमको है पोजिशन दिया, एड्रेस दिया है इनका, इनकी वैल्यू बताइए, ए वन थ्री, ए टू वन, ए थ्री थ्री, ए टू फोर, ए टू थ्री। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, मतलब 24 एलिमेंट 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है, मतलब 24 एलिमेंट है, लेकिन इनका सोल्यूशन बता रहे हैं हम, 24 जो है वो है एलिमेंट, मतलब हिंदी में कहते हैं अवयव। अब ऑर्डर कोटियां मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर हमको बनाना पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, तो सबसे पहली चीज आपको मालूम है कि 24 एलिमेंट है, तो अब ऑर्डर किस फॉर्म में लिखते हैं, m क्रॉस n, मतलब m क्रॉस n इक्वल टू क्या आना चाहिए, 24, m मतलब होता है रो, n मतलब होता है कॉलम, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। अब ऐसा हम इनको फैक्टर करते हैं कि दो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 24, तो देखिए पॉसिबल आपकी संभव कोटि, संभव कोटियां पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, सबसे पहला 1 × 24, ठीक, 24 का जब 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, सेकंड हो जाएगा 24 × 1, ठीक, फिर होगा 2 × 12, 12 × 2, अब बताइए 24 सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बताइए 3 8 24, मतलब 3 और 8 क्या होता है 24, 8 3 24 और 4 6 और 6 4 और 8 3 तो हो ही चुका है, और क्या कहते हैं 12 2 भी हो गया है, और कोई कंडीशन देख लीजिए, और तो हमारे ख्याल से नहीं बननी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो ये हमारी 8 पॉसिबल, ठीक है, ऑर्डर हो गए, संभव कोटियां हो गई और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देख लीजिएगा, और तुम्हारे ख्याल से कोई बंदी नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि 13 अगर एलिमेंट हो गए, कितने एलिमेंट हो गए, 13, इसका 13 इज इक्वल टू एम क्रॉस एन फॉर्म में दिखाना है, क्या हो सकता है 1 × 13 एंड 13 × 1, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में आपको मालूम है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर इनको मिल नहीं पाएगा, या तो नंबर ही मिलेगा, 1 × 13 13 × 1, तो इनकी पॉसिबल जो ऑर्डर हो गया, संभव कोटियां हो गई, वो हो गई 1 और 2, मतलब 2 हो गई। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कह रहा है
कि 18 अवयव है। अब आप 18 का साल का लीजिएगा तो इनके ऑर्डर क्या बनेंगे, और अगर 5 एलिमेंट हैं तो इनके ऑर्डर क्या बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, 24 एलिमेंट हैं तो उनके ऑर्डर देखिए बन सकते हैं, मतलब कि एक रो होगी तो 24 क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। अगर 24 रो है तो 1 कॉलम हो जाएंगे। तो पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा जो होता है वो कॉलम। क्लियर? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एक एग्जांपल बताया था कि मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2x2 की, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, मैट्रिक्स जो लिखा है ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने बताया था ये एलिमेंट आई जे है, आई रो है और जे क्या कहलाता है, कॉलम। कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करना है, बनाना है, जहां पे हमको एलिमेंट की केस दिए हैं, फर्स्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, और सेकेंड है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। ठीक, और एक थर्ड है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? अब देखिए इनसे तीन है, अब एक हम सॉल्व करते हैं, बाकी दो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2। तो देखिए कह रहा है ए आई जे, इसका i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 2 तक जाएगी, तो a i j। ठीक है, तो हमको किस तरीके से बनाना है, 2x2 बनाना है, तो i की वैल्यू जो हमारी होगी 1 2, जे की वैल्यू क्या जाएगी 1 2, क्योंकि दो ही रो है और दो ही कॉलम। तो ए इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए आपको मालूम है a11 a12 a21 a22, ये देखिए 2x2 की हमारी क्या होगी मैट्रिक्स। देखिए एक रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2x2 में कौन से एलिमेंट आएंगे। मैंने कहा आई की वैल्यू पहले 1 से लेकर 2 तक जाएगी, तो i11 हो गया, i12 हो गया, फिर जे की वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 से लेकर 2 तक ही जाएगी। देखिए जे यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 1 है 2 है, आई भी 1 1 2 2। क्लियर? तो ये हमारा मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, ए इक्वल टू a11 a12 a21 a22। अब सबसे पहले हमको एलिमेंट दिया है, क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a11, तो आई की वैल्यू भी 1 हो गई, जे की वैल्यू भी 1 हो गई, 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो आप बताइए 1 1 क्या आ जाएगा, 2 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर? फिर आएंगे हम a12 सॉल्व करेंगे, फिर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1+2 होल स्क्वायर अपॉन 2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 अपॉन 2, 4.5 भी ले सकते लेकिन 9/2 ही रहने दीजिए। फिर a21 सॉल्व करेंगे, तो 2+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 9/2। लास्ट है a22, मतलब i भी 2 है और j भी 2 है, तो 2+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 16 अपॉन 2 को हम लोग लिखेंगे 8। ठीक, अब हमारी चारों वैल्यू आ चुकी है, इसमें रख देते हैं, तो a=2, a11 की वैल्यू हो गई 2, a12 की वैल्यू होगी 9/2, a21 की वैल्यू 9/2 और इसकी वैल्यू हो गई 8। तो ये हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया, जो क्रिएट करना था, रचना जिसकी करनी थी वो ये है। तो ये हमारा पहला हुआ, आप सेकंड इसी तरीके से करेंगे, इसमें i अपॉन j। ठीक है, तो सब कुछ यही रहेगा, क्या हो जाएगा 1/1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 जब निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और सेम उसी तरीके से थर्ड भी लग जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे, उसको हम एक बताते हैं, इसको पहले इरेज कर दें, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, बनाना है,
थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स बनानी है। किसकी बनानी है? थ्री क्रॉस फोर की। ठीक है, एलिमेंट जो दिया है, दो क्वेश्चन इसमें भी है, दोनों लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट ए आई जे इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जे, एंड सेकेंड क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू टू आई माइनस जे। ये सॉल्व करना है, थ्री क्रॉस थ्री की बनाकर एक पार्ट हम बताते हैं, सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। तो थ्री क्रॉस फोर में रो कितने होंगे? थ्री, कॉलम कितने होंगे? फोर। तो अब आपको मालूम है कि जो ए मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें रो कितने होंगे? थ्री। ठीक, अब रो में जैसे आपको मालूम है कि ए आई जे होता है तो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? वन से स्टार्ट होगी, थ्री तक जाएगी। जे की वैल्यू फोर है तो वन से स्टार्ट होकर फोर तक जाएगी। तो पहला बनेगा ए वन वन, ए वन टू, बी कॉलम आपके पास फोर है तो फोर तक जाएंगे, ए वन थ्री ए वन फोर, ये हो गया। तो रो पहला लिया, कॉलम फोर हो गए। फिर सेकेंड रो लेंगे तो ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर। फिर थर्ड रो लेंगे ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो ये सब हो गए उसके एलिमेंट, थ्री क्रॉस फोर की हो गई। क्लियर? इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन रो हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ। अब सॉल्व करते हैं फटाफट ये चीज, यही सॉल्व कर दे रहे हैं हम, यहां सॉल्व। तो ए वन वन पहले सॉल्व करते हैं। तो हाफ वन की वैल्यू रखेंगे माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री में से वन जाएगा, माइनस टू आएगा, मॉड क्या करता है? पॉजिटिव करता है, तो टू अपॉन टू की वैल्यू हो जाएगी वन, डायरेक्ट लिख दिया। फिर सॉल्व करेंगे ए वन टू हाफ माइनस थ्री प्लस टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू, डायरेक्ट लिख दिया। फिर ए वन थ्री हाफ माइनस थ्री और इसकी वैल्यू थ्री हो गई थ्री, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि थ्री से थ्री जाएगा जीरो हो जाएगा। ए वन फोर हाफ माइनस थ्री प्लस फोर वन अपॉन टू, ये हो गया पहला रो कंप्लीट हो गया, पहले रो के सभी एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके। अब सेकंड रो के सॉल्व करेंगे ए टू वन हाफ, तो थ्री टू जा कितना हो जाएगा? सिक्स, माइनस सिक्स प्लस वन, तो आ जाएगा फाइव अपॉन टू, क्योंकि माइनस फाइव आएगा, मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा तो फाइव अपॉन टू हो जाएगा। फिर ए टू टू जब सॉल्व करेंगे हाफ, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स प्लस टू, यहां से आ जाएगा फोर अपॉन टू, तो इसको लिख सकते हैं टू। फिर क्या आएगा? ए टू थ्री हाफ माइनस सिक्स प्लस थ्री, हो जाएगा थ्री अपॉन टू। फिर ए टू फोर हाफ माइनस सिक्स और प्लस फोर, तो ये हो जाएगा टू अपॉन टू वन। तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो निकालते हैं, यहां लिख देते हैं। तो ए थ्री वन सॉल्व करेंगे यहां से, तो थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा हाफ माइनस नाइन प्लस वन, तो हाफ इंटू हो जाएगा यहां से एट, मतलब फोर आ जाएगी वैल्यू। ए थ्री टू हाफ माइनस नाइन प्लस टू, तो यहां लिख देंगे सेवन अपॉन। फिर ए थ्री थ्री की वैल्यू फाइंड करेंगे हाफ माइनस नाइन प्लस थ्री, सिक्स अपॉन टू हो जाएगा थ्री। ए थ्री फोर की वैल्यू हाफ माइनस नाइन प्लस फोर, ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू। सभी वैल्यू सभी एलिमेंट हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू को हम उठा के फुट कर देंगे, तो देखिए आंसर क्या आ जाता है। ये डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ए इज इक्वल टू ए वन वन की वैल्यू वन, ए वन टू की वैल्यू वन बाई टू, जीरो वन बाई टू, ये हो गया। सेकेंड क्या होता है? फाइव बाई टू, टू थ्री बाई टू एंड वन। नेक्स्ट यहां से आएगा फोर,
सेवन बाई टू, थ्री एंड फाइव बाय टू। तो ये आपकी थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बन गई है जो हमको फाइंड करना था। थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बनाना था जिसमें एलिमेंट ये था। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट ए आई जे इक्वल टू टू आई माइनस जी, तो और आसान कैलकुलेशन होगा, फटाफट वैल्यू आ जाएगी। तो इनको भी आप इसी तरीके से थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स कामा वाई कामा जेड सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमको पहला पार्ट दिया है मैट्रिक्स का, इक्वल मैट्रिक्स है फोर थ्री, एक्स फाइव इज इक्वल टू वाई जेड वन फाइव, ठीक। अब देखिए इनको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड के। तो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, क्या बताया कि दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए, दोनों के आर्डर सेम है। टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स ये भी है, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स ये भी है। तो अगर इक्वल है तो टू क्रॉस टू के तो इक्वल हो चुके। तो इक्वल जब हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये वाला पहला वाला पहले के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल जो पोजिशन है, तो आप फटाफट सीधे कंपेयर करिए यहां से। तो बताइए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर, ठीक। अब जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थ्री। एक्स इक्वल टू क्या कंपेयर करें, क्या मिल जाएगा, वन, ठीक। और ये फाइव फाइव के इक्वल है, हाँ होना चाहिए। यहां अगर कोई दूसरी वैल्यू हो जाती है तो ये इक्वल नहीं कहलाएगा। तो जो अगर फाइव है तो यहां भी फाइव होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से आपको इनका सेकेंड पार्ट, एक पार्ट और हम लिख देते हैं, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एंड एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव एट। इनको सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल दिखाया ही है, टू क्रॉस टू की दोनों मैट्रिक्स है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा कंपेयर करेंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, टू टू के इक्वल है, क्लियर। फाइव प्लस जेड इक्वल टू फाइव, और यहां से सॉल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। ये जेड की वैल्यू आ चुकी है, किसी और फाइंड करनी है एक्स और वाई की। अगला क्या लिखा है, एक्स वाई इक्वल टू एट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, और ये हो गया था इक्वेशन सेकेंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड। सेकेंड से हमारा आंसर आ गया z इक्वल टू जीरो, एक्स वाई इक्वल टू एट। अब यहां से देखिए वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स हो सकता है, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण एक से। y इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स उठा के पुट कर दीजिए, सिक्स माइनस एक्स, पहले x लिखेंगे, y की वैल्यू सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू एट। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट। इधर लाते हैं तो सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इनको सॉल्व करेंगे तो इनको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इनका फैक्टर करेंगे, किसका फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट का फैक्टर करना है। तो आप बोलो फोर टू जा एट और फोर टू कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। x कॉमन लिया x माइनस फोर, माइनस टू कॉमन ले लिया x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस फोर एक ब्रेकेट में हो गया, दूसरे में हो गया x माइनस टू, यहां से x की वैल्यू फोर आ गई और क्या आ गई, टू आ गई। दो वैल्यू हमको x की मिल गई है, तो x की वैल्यू दो मिल गई। फिर हम इधर लिख दे रहे हैं, तो x इक्वल टू फोर पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू फोर पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की। बताइए y इक्वल टू सिक्स माइनस फोर क्या आ गया, टू। y की वैल्यू कितनी आ गई, टू। x इक्वल टू टू पर, x इक्वल टू टू पर क्योंकि दो वैल्यू आई है, दोनों को पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस टू मतलब फोर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, अभी देखिए यहां आंसर आप देखिए, तो x की वैल्यू आई फोर, y की वैल्यू आई टू, और z की वैल्यू पहले आ चुकी थी, क्या थी, जीरो, ठीक। एक आंसर ये हो गया, या
x की वैल्यू मैंने क्या लिया 2, y की वैल्यू क्या आई 4 और z की वैल्यू क्या थी 0। तो ये दो आंसर हो गए 420 या 240। तो x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0, उसी तरीके से नीचे हो गया। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हमारी, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसका एक थर्ड पार्ट है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। क्लियर, उसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सेम इसी तरीके से है। इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1 5 0 13। क्या क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल। तो फटाफट लिखते हैं कंपेयर करके डायरेक्ट, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, 2a प्लस सी इसके इक्वल हो जाएगा 5 के, ये 2a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और नेक्स्ट क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अभी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अब ये फोर्थ इक्वेशन हमको मिल चुके हैं, इन्हीं को सॉल्व करना, सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जैसे आ जाते हैं हम लोग, पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब पहले और तीसरे, ये दोनों को ले लेते हैं। तो क्या है अपने पास, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 में से जाएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अब बताइए a की वैल्यू 1 आई, फट से इस इक्वेशन में रख दे फर्स्ट वाले में, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, फर्स्ट में रखेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। क्लियर, अब किसकी देखिए a और b की आ चुकी है, तो आप अब किसको कौन सॉल्व करना है, सी लाना, देखिए a की वैल्यू चल चुकी है, तो सॉल्व क्वेश्चन सेकंड क्या है 2a प्लस c इक्वल टू 5, तो बताइए a की वैल्यू 1 आ गई, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू क्या हो गया 3, ये c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू किस इक्वेशन में रख दें, फोर्थ फ्रॉम क्वेश्चन 4, ठीक है क्या हो जाएगा 3 इंटू c की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस d इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो सबकी वैल्यू आ चुकी है, हमको क्या मिल गया आंसर लास्ट में, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। अगर आपको आंसर अपना चेक करना है तो आप वैल्यू को इसमें पुट करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो बताइए यहां 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 2, माइनस 2 मिल जाएगा, क्लियर हो गया, 1 2 आंसर 2 हो जाएगा, 3 3 2 5, यहां पे 2 आंसर 2 2 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 4 13, हमारा आंसर हो गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए इक्वल टू ए आई जी, मतलब एक मैट्रिक्स दिया है एम क्रॉस एन जिसका ऑर्डर है एक, वर्ग ऑफ टू, वर्ग ऑफ टू मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स,
मैंने बताया था वर्ग आपने मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, मतलब रो जो है कॉलम से छोटा है ठीक, और रो जो है कॉलम से बड़ा है या रो जो है कॉलम के इक्वल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, जब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसको कहते हैं वर्ग ऑफ व्यू। तो हमने बताया था डिफिनीशन में पिछले लेक्चर में कि m इक्वल टू क्या होता है n, मतलब रो और कॉलम जब इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऐसे 1 2 3 4। अब देखिए दो रो है और दो क्या है कॉलम, तो देखिए देखने में स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो जहां रो और कॉलम सेम हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, m और n क्या होंगे इक्वल, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा c, m इक्वल टू n। ये था क्वेश्चन नंबर 8 ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कंप्लीट। क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है, मतलब ये दिया गया है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू दी गई ऑप्शन में और ये बताना है 3x + 7 5y + 1 2 - 3x ठीक, और एक दिया है 0y - 2 8 and 4। कह रहा है कि ये किस युग्म के लिए समान, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए समानता, हमने मान लिया कि ये इक्वल है ठीक है। अब साफ करते हैं सबसे पहले ठीक, तो कंपेयर करेंगे आपको मालूम है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा 3x + 7 = 0 और यहां से क्या मिलेगा, एक इक्वेशन ही मिल गया, यहां से क्या मिलेगा y - 2 = 5 इक्वेशन नंबर सेकंड, और इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7 क्लियर। फिर नेक्स्ट अभी ऑप्शन भी हम लिख देते हैं y + 1 = 8 इक्वेशन नंबर थर्ड, यहां से क्या मिल जाएगा y = 7, मतलब इस इक्वेशन से भी सेम मिल रहा है दोनों जगह वाले क्लियर। फिर एक और है 2 - 3x = 4 इक्वेशन नंबर 4। अच्छा यहां से देखिए वैल्यू निकालते हैं हम, x की वैल्यू क्या मिलेगी डायरेक्ट दे रहे हैं x = -7/3, ये माइनस हो जाएगा या अपॉन चला जाएगा, यहां से ये देखिए x की वैल्यू ये मिली, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी इसको ऐसे लिख देते हैं -3x = 4 - 2 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2/3। तो अब बताइए x की दो वैल्यू मिल रही है -2/3 - 7/3 और y की वैल्यू दोनों जहां 7 मिल रही, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम यहां लिख देते हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन ए x = -1/3 and y = 7 बताइए है फॉल्स, पहला गलत। दूसरा ज्ञात करना संभव नहीं, एंड थर्ड है सी y = 7 x = -2/3 and d वाला ऑप्शन है x = -1/3 y = -2/3। अब आपको देख लीजिए कि हमारे पास यहां y की वैल्यू तो एक मिल रही है और 7 7 दोनों इक्वेशन से मिल रही है, लेकिन x की वैल्यू अलग अलग मिल जा रही है, -7/3 मिल जा रही है और -2/3 मिल जा रहा है, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यहां देखिए -1/3 तो आई नहीं रहा, जो 7 तो आ रहा है, 7 आ रहा है एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमारी एक्स की वैल्यू दो अलग अलग आ जा रही है, ये भी ऑप्शन गलत हो गए, ये भी ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, इनकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा कि इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। अब उसके लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 10 कि 3x3 ऑर्डर की
ऐसी मैट्रिक्स की कुल संख्या बतानी है जिनमें हम जीरो या वन एंट्री करवाए, मतलब भेजे, मतलब थ्री क्रॉस थ्री की ऐसी मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, जिनमें मतलब कि ऐसे आदमियों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, वो मैट्रिक्स जो बनेगी थ्री क्रॉस थ्री की उसमें संख्या कितनी होगी जब हम क्या क्या एंट्री करवाएं, जीरो और वन। ऑप्शन आपको मैं लिख देता हूं 27, बी 18, सी 81 एंड डी 512। तो थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या हो गया, अगर हमने ले लिया मैट्रिक्स मान लिया ए, तो थ्री का मतलब तीन रो होने चाहिए, ठीक है, ऐसे एक दो तीन, ठीक है, देखिए तीन रो हो गए और तीन कॉलम हो गए, तो ये थ्री क्रॉस थ्री की हो गई। और हमको क्या एंट्री कराना है, जीरो या वन। तो अगर हम यहां पर जीरो लिखते हैं एक बार, ठीक है, और यहां पर और क्या लिख सकते हैं, वन। इसका मतलब हर एक पोजीशन, इसको ए वन वन बोलते हैं, हर एक पोजीशन पर कितनी वैल्यू आ सकती है, दो, या तो जीरो या तो वन। तो आपको बताइए कितना, थ्री थ्री से कितना जाता है, नाइन। इसका मतलब नाइन पोजीशन हो गई, और उन नाइन पोजीशन पे हमको क्या क्या रखना है, जीरो या वन रखना है। तो हम लोग ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था क्रमचय संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां भी इस तरीके से क्वेश्चन आते थे वैल्यू नंबर रखने के लिए। तो यहां पर बताइए कितने चांसेस हैं, जीरो या वन। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पोजीशन पर टू, दो तरीके से रख सकते हैं, इस पर भी दो तरीका, इस पर भी दो, सब पे दो दो दो, फिर इस पर भी दो दो, दो। तो बताइए टू की पावर कितना हो जाएगा, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो बताइए टू की पावर नाइन की वैल्यू 100 के दो, 500 कितना हो जाता है, 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर यहीं पर मान लीजिए, ठीक है, तीन वैल्यू कह देता, इसे जीरो वन और टू, तो इसका मतलब यहां पे क्या आती वैल्यू, थ्री। तो यहां थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है, आपने गुणन वाला नियम पढ़ा था, ठीक है, सब मल्टीप्लाई करते टू की पावर एन, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, इसे थ्री की पावर कितनी हो जाती, नाइन। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, यहां सिर्फ क्या वैल्यू करेगा, तो दो वैल्यू। तो पहली पोजीशन पर दो तरीके की वैल्यू आ सकती है, तो जीरो या तो वन, दूसरे पर भी दो, तीसरे पर भी दो, इस तरीके से नौ वैल्यू हमको रखनी, मतलब नौ जगह पे रखना है। तो दो 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 गुणे करेंगे तो टू की पावर कितना हो जाएगा, नाइन, तो हो जाएगा 512। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर तीन वैल्यू रखना है तो हर एक पोजिशन पर तीन वैल्यू आएगी। अब जैसा उनका आर्डर होगा, इसे यहाँ थ्री क्रॉस थ्री है, वहां पर जिस टू क्रॉस टू का हो जाएगा तो फोर, तो फोर की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, जब रखेंगे तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फोर, तो थ्री की पावर क्या हो जाएगा, फोर। जैसे ऐसे आ गया, वन टू थ्री फोर, क्लियर। अब यहां पर रखेंगे तो तीन वैल्यू यहां मिलेगी, तीन वैल्यू यहां भी मिलेगी, तीन वैल्यू यहां भी मिलेगी, तीन वैल्यू यहां भी मिलेगी, तो थ्री की पावर कितना हो जाएगा, फोर। इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 512, क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, और जो डाउट होगा वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे अपलोड की जाए फट से मिल जाए, ठीक है, गुड बाय, आपकी कंप्लीट हो गई, थैंक यू।